मैं एक छोटा सा वाक्य जो है बादशाह औरंगजेब का सुनाता हूँ। कई बार जब औरंगजेब का जिक्र जहन में आता है तो सिवाय तलवारों के कुछ भी समझ नहीं आता, ना दिखाई देता, खून नज़र आता है, एक संगदिल इंसान जो है वो नज़र आता है। पर दुनिया के हर संगदिल इंसान को कहीं ना कहीं उसने इश्क का जाम पिया है। और आप हमेशा इस बात को याद रखना कि एक इंसान का छिन जाना पूरी कायनात के छिन जाने जैसा होता है। और वो लोग जिन्हें दुनिया ने हमेशा से दरकिनार रखा, दूर रखा खुद से, जो वो लोग जो वालिदैन की मोहब्बत से भी महरूम रहे, भाई बहनों की उनसियत से भी महरूम रहे, जिनके दोस्त नहीं बने, दोस्त बने तो फरेब करके चले गए, उन लोगों को जब इश्क होता है तो बड़ा कमाल का इश्क होता है। उन्हीं में शामिल है शहजादा औरंगजेब। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। हुआ ये कि शहजादे औरंगजेब को शहंशाह शाहजहां ने बुलाया और कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें दक्कन का सूबा दिया, वहां जाकर सूबेदारी को। आप कभी औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे जिंदगी काट दी उसने एड़ियां रगड़ते हुए दक्कन में। वो अंदर की जो कैफियत उसने वो जो किले लूटने में लुटाई है ना, कभी बीजापुर का किला लूट रहा है, कभी गोलकुंडा को लूट रहा है, कोई समझ नहीं पाया कि ये दक्कन में दिल्ली का पानी कैसे बह गया। क्या हुआ ऐसा कि इसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल दक्कन की चटियल वादियों में बिता दिए। आशिकों को ये लगता है कि उसे इश्क हो गया। और जब एक सिपाही से आप उसकी मोहब्बत छीन लेते हैं, बाकायदा छीन लेते हैं, तो आशिक अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और इश्क का जाम पीकर उसके हाथ में तलवार होती है। और फिर उसके बाद उस तलवार के साए में उसके अपने भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं, वो खुद भी जख्मी होता है, दूसरों को भी जख्मी करता है। तो जब शहजादे को कहा गया कि भाई आप दक्कन की सूबेदारी संभालो, तो ये निकले। और जब औरंगाबाद जा रहे थे बुरहानपुर की तरफ, तो रास्ते में जो है इनकी खाला रहती थी, तो ये वहाँ रुके। इनके खालू थे मौसा सैफ खान, वो शिकार पर गए हुए थे। तो ये शहजादा जो है ना, इसने कभी रक्स देखा, ना इसे तवायफों के पास जाने का शौक था, ना इसने कभी शराब पी। तो इनकी जो खाला थी, जिनकी मौसी थी, उन्होंने शहजादे का इस्तकबाल किया, वो इन्हें दीवान खाने में ले गए। और अब आप इसमें तसव्वुर करें कि दीवान खाना, पीछे तलवारें टंगी हुई, तस्वीरें टंगी हुई, एक तरफ जो है शराब की सुराही, एक में इस्फहानी शराब भरी हुई, एक जगह मेवे रखे हुए, एक जगह कालीन बिछी हुई, एक जगह मसनद रखी हुई, इत्र की खुशबू से पूरा का पूरा दीवान खाना महक रहा है। जिन्होंने जो इनकी खाला थी, उन्होंने लाकर शहजादे का हाथ पकड़ा और मसनद पर बिठा लिया और हुक्म दिया अपनी रक्कासा को कि वो आए और रक्स शहजादे के सामने करे। अब क्योंकि इनकी जो खाला है वो इनकी माँ का दर्जा रखती है, तो ये अपनी खाला को तो कुछ कह नहीं पाए। पर आप इसमें तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिनेशन, कि जैसे ही वो रक्स करने के लिए वो लड़की अंदर आई होगी, चिलमन हटाकर, भारी भारी पिशवास पहनकर, इत्र में सराबोर, भारी काम का दुपट्टा पहने, तो शहजादे की जो नजरें हैं
वो झुक गई हूँ। अब यहाँ उसने रक्स करना शुरू किया। वो शहजादे को पहुंच गई, वो आंखें उठाना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो एक झलक देखना चाहता है, पर उस अप्सरा का जो ऑरा है उसे किसी उसकी धड़कने बढ़ा रहा है। वो होता है कि कोई है जो बिना बाहों में लिए हुए आपको बाहों में लेता है। ये शहजादा एक झलक उसको देखता है, ये नजरें झुका लेता है, ये वापस अपने महल आता है और वही बेचैनी हर आशिक को उस बेचैनी से गुजरना पड़ता है। उस बेचैनी के आलम में ये किसी से कह भी नहीं पा रहा। इतना बुरा होता है ना कि जब आप किसी को कुछ कह नहीं पाते। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बुरी बात है जब आप किसी को ये समझा नहीं पाते कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं। कोई शायरी काम नहीं आती, मैं खाने पलट दो तो शराब का नशा नहीं होता, कैसा भी खाना खिला दो तो जायका नहीं आता, जब आप वो बात किसी को बता नहीं पाते। तो शहजादे के जो साथी थे वो ये बात समझ रहे थे। उनमें से एक साथी ने कहा भी कि अगर साहिब आलम हुक्म करें तो पांडी को आपके कदमों में लाकर डाल दिया, अगर शहजादा चाहता तो हाँ कर दे। उसने कहा नहीं। शहजादे ने अपनी खाला के पास खबर भिजवाई कि आप उस अप्सरा को मेरे महल में भेज दी। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। किसी तरीके से वो अप्सरा जिसका नाम हीरा बाई था वो आई शहजादे के महल में। अब वो इंतज़ार करती रही क्योंकि उसको लगा कि ये उसका फ़र्ज है, तो वो जिस शहजादे या बादशाह के महल में जाएगी वो आएगा, वो उसका रक्स देखेगा। पर ये शहजादा कभी मिलने गया ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास रहे हुए नज़दीक भी ना आए, वो रूठा ही रहे मुझसे मंजूर है लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़। वो उसके महल में थी, उसे बस इत्मीनान था। एक रोज़ क्या हुआ कि गुलिस्तान था महल के आगे, वहाँ कालीने बिछाई गई, मशालें रोशन की गई और साहिब आलम औरंगज़ेब और हीरा बाई वहाँ उस कालीन पर बैठे हुए। तो हीरा बाई जो हैं वो साहिब आलम से पूछती हैं, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? ये कैसा होता है जब आप सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आप मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं? कोई ये कैसे बताए कि तुम मेरी दुनिया हो चुके हो? क्या मोहब्बत को पैमाने में तोलना आसान है? तो जब साहिब आलम ने कोई जवाब नहीं दिया तो हीरा बाई ने शराब का प्याला उठाया और कहा कि ये शराब का प्याला पी जाइए अगर आपको मुझसे मोहब्बत है। इश्क में जब इंसान होता है या मोहब्बत में इंसान होता है तो वो उस हर काम को कर गुजरता है जो उसे नागवार होता है। मतलब ये औरंगज़ेब है जिसे कट्टरपंथी कहा जाता है, और अगर मैं उसके एक आशिक के तौर पर देखूं तो उसने अपने खुदा को भी जो है नकार दिया और उसने हीरा बाई से जो है शराब का प्याला लिया। मुझे लगता है कि अगर उसने वो शराब का प्याला पी लिया होता तो खुदा ने उसे माफ़ कर दिया। इश्क में अक्सर बहुत सारी चीज़ें जायज़ होती हैं। उसने शराब का प्याला लिया, वो अपने लबों तक ले जा रहा था तो हीरा बाई ने वो उनके हाथ से छीन लिया। और यहाँ से एक कहानी की शुरुआत हुई, या ये कह लें कि एक कहानी के ख़त्म होने की शुरुआत हुई। शहजादा बिल्कुल बदल गया, वो लोगों से अच्छे से बात करने लगा, उसके अंदर
का जो नरम दिल इंसान था वो बाहर आ गया। पर अक्सर जब आप खुश होते हैं तो आपके आसपास के लोगों को वो पसंद नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि खुशियों को खामोशियां पसंद हैं। अगर आप खुश हैं तो खामोशियों का एक दायरा बना दें, क्योंकि आवाज़ों की जो मुर्शिद है वो खामोशी है। तो जब आगरा में ये बात फैली कि औरंगजेब एक अदना सी रक्कासा के इश्क में, तो औरंगजेब को ना चाहने वालों के वाले जो लोग थे, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने जंग में उनका साथ दिया था, जैसे रोशन आरा, बहरहाल आगरा से जो है एक कातिल चला, दक्कन पहुंचा, हीराबाई के करीब हुआ, उससे दोस्ती की। और जब हीराबाई झूला झूल रही तो उस कातिल ने जहर बुझे हुए कटार हीराबाई को कर दिया। कहते हैं कि औरंगजेब ने जब पहली बार हीराबाई को देखा था वो वक्त नहीं था जब उसने उसका रक्त देखा। आहू खाना एक जगह है, आहू खाना जहाँ हिरन रखे जाते हैं। जब साहिब आलम उस आहू खाने से होकर गुजर रहे थे तो एक बेबाक लड़की जो है वो एक आम के दरख्त के नीचे जो है खड़ी हुई आम तोड़ रही थी, और उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया कि कोई शहजादा उसके सामने से गुजर रहा था। तो जब हीराबाई को कत्ल किया गया तो पूरे हरम में जो है कोहराम मच गया। जब ये शोर बुलंद हुआ तो साहिबे आलम उस शोर की जानिब पहुंचे, तो उनके जो खादिम थे उन्होंने उसका दामन पकड़ लिया कि साहिबे आलम आप अंदर ना जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर साहिबे आलम अंदर जाएंगे कयामत आ जाए। खामोशी के साथ सबको हटाते हुए मंदिर माशूक का जनाजा आशिक के कंधे पर ताउम्र के लिए निशान दे। वो अंदर गए, सामने हीराबाई थी जिन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें खोली, शहजादे की तरफ देखा, मुस्कुराई, जैसे कहना चाह रही हूँ कि मैं साथ और हमेशा के लिए आंखें बंद। शहजादा उसके करीब नहीं है, उसको सर उसके सर को उठा के अपनी गोद में नहीं रखा। वो वहीं से मुड़ा, घोड़े पर सवार और जंगल में निकल गया शिकार करने के। कहा जाता है कि उसकी मयान से वो जो तलवार निकली बाहर वो तब तक अंदर नहीं गई जब तक वो हमेशा हमेशा के लिए सो नहीं गई। तो औरंगजेब हो जाना कैसा होता है? हर किसी के अंदर एक औरंगजेब है, किसी के अंदर सो रहा है, किसी के अंदर उठा हुआ है। बहर आप कुतुब मीनार का नज़ारा लीजिए, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। चलो।